वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट प्रोग्राम. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ दादरा एंड नगर हवेली मर्जर. ऑन 11th August 1961, द स्टेटस ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एज अ सिंगल यूनियन टेरिटरी वॉज मेड ऑफिशियल. ऑल्दो द इंडियन गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टू एरियाज आफ्टर देयर लिबरेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज. इन 2020 इट वॉज जॉइंड विद दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी टू मेक द टू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी. दादरा एंड नगर हवेली केम अंडर द रूल ऑफ पोर्टुगल इन द लेट 18th सेंचुरी. The Marathas ceded Nagar Haveli to the Portuguese in 1783 as compensation for a Portuguese vessel that their navy had destroyed. 2 years later, Portugal acquired Dadra, which became a kind of fief. After independence, a pro-Indian administration was formed in these enclaves, and on June 1, 1961, Dadra and Nagar Haveli requested accession to the Indian Union. Now let us discuss the geography of Dadra and Nagar Haveli. दादरा एंड नगर हवेली लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सिचुएटेड बिटवीन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. द क्लाइमेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली इज अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन ओशियन मैरीटाइम क्लाइमेट. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, दादरा एंड नगर हवेली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 343,709 विद अ सेक्स रेशियो ऑफ 775 फीमेल्स पर 1,000 मेल्स एंड लिटरेसी रेट ऑफ 77.65%.